शाहिद कपूर वर्तमान में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जर्सी में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा बटोरने में व्यस्त हैं। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, अभिनेता के प्रदर्शन को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाता है। जर्सी एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने 30 के दशक के अंत में क्रिकेट में वापसी करने का फैसला करता है। खैर, हाल ही में एक साक्षात्कार में शाहिद ने खुलासा किया कि कैसे मुंबई में स्कूल में उन्हें तंग किया गया था और शहर में अपने स्कूल के दिनों की कोई सुखद यादें नहीं है। शाहिद ने एचटी ब्रंच से कहा, मैं बॉम्बे में अपने स्कूल से नफरत करता था, मुझे धमकाया गया था और मेरे शिक्षक भी मेरे लिए बहुत अच्छे नहीं थे। क्षमा करें, लेकिन यह सच है। मुझे दिल्ली में अपने स्कूल से प्यार था, मैं वहां जूनियर केजी से था और मेरे पास एक था बहुत सारे दोस्त। बॉम्बे में स्कूली शिक्षा की सुखद यादें मेरे पास नहीं है। खैर, शाहिद अकेले बॉलीवुड अभिनेता नहीं है जिन्होंने स्कूल में धमकाने के बारे में बात की है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन और अन्य जैसे सेलेब्स खुल चुके हैं जब वे बच्चे थे तब तंग किए जाने के बारे में बात कर रहे थे। जर्सी के बारे में फिल्म ने लगभग दो दिनों में 9.50 करोड़। उम्मीद की जा रही थी कि जर्सी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 के कारण शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत नहीं मिली। इससे पहले जर्सी को केजीएफ 2 और बीस्ट के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ना था, लेकिन निर्माताओं ने रिलीज को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया। क्लैश के बारे में बात करते हुए शाहिद ने बताया था, तथ्य यह है कि हम रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें लगता है कि यह रिलीज करने का एक अच्छा समय है, नहीं तो हमारे पास नहीं होता। तथ्य यह है कि वे रिलीज कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय लगता है, इसलिए मुझे लगता है अगर आप दोनों चीजों को एक साथ रखते हैं तो अलग अलग फिल्मों के लिए पर्याप्त जगह है।